हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैप प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन होते क्या हैं, मैप प्रोजेक्शन और उनका कुछ एप्लीकेशन पार्ट। अब हम लोग जो कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल है उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और कैलकुलेशन देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करके हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे वो प्रोजेक्शन बनाते हैं। कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम एक दो टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। कॉनिकल प्रोजेक्शन इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं बिकॉज हम लोग जो हमारा ग्लोब है उस पर एक कोन को एज अ डेवलपेबल सरफेस यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कॉनिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था डिटेल। अब यहाँ पर वन स्टैंडर्ड पैरेलल का मतलब क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं कि हम लोग इसको वन स्टैंडर्ड पैरेलल बोलते हैं। हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, ये हमारा एक स्फेयर है, ओके। इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक कोन को रखते हैं एज अ डेवलपेबल सरफेस। अब जहाँ पर ये कोन इस स्फेयर को टच करता है वहां से हम लोग एक लैटिट्यूड बना देते हैं, ओके। सो दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड पैरेलल, स्टैंडर्ड पैरेलल। सो दिस लाइन, दिस लैटिट्यूड लाइन इज नोन एज स्टैंडर्ड पैरेलल, और इस लाइन पे स्केल इज ऑलवेज ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर सिर्फ इस लाइन, इस प्रोजेक्शन में जो हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल होगा ये वाली लाइन, इस पे स्केल हमेशा ट्रू होगी। सो बेसिकली इसलिए इसको वन स्टैंडर्ड पैरेलल क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर वन स्टैंडर्ड पैरेलल है। इसको हम लोग यहाँ पर एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर दो लाइन ले ली ऐसे करके तो वो टू स्टैंडर्ड पैरेलल हो जाएगा, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। सो हम लोग अब देखेंगे इसमें कि जो वन स्टैंडर्ड पैरेलल है इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या है। एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हम लोग सेंटीमीटर में लेना है, क्यों, बिकॉज जो हमारा RF है दैट इज इन सेंटीमीटर। वन सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड पेपर रिप्रेजेंट्स 1 to 5 000 000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। सो इसलिए हमें जो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ लेना है उसको भी सेंटीमीटर्स में कंसिडर करना है। अब हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है यानी कि 6 3 5 000 000 को हम लोग जो हमारा RF का डिनोमिनेटर पार्ट है इससे डिवाइड कर देते हैं। सिंपल समझिए, 000 and 000। क्या किया, एक बार फिर से सुनते हैं। जो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ है यानी 6 3 5 000 000 सेंटीमीटर, इसको हमने रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि इसको हम लोगों ने जो RF का हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 1 to 5 000 000 इससे डिवाइड कर दिया। अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 0 नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लोग जब मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करेंगे तो इसको जो आंसर आएगा वो आएगा 5.08 सेंटीमीटर। सो ये जो हमारा है रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन है, ओके, कि हमने रेडियस कैसे निकाला, जो हमारा एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ है इसको हम लोगों ने जो हमारा RF का डिनोमिनेटर पार्ट है इसे डिवाइड कर दिया। सो उससे हमारा एक्चुअल रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन, जो हमारा जिस रेडियस का प्रोजेक्शन बनेगा वो आ गया। अब हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग इसी रेडियस को यूज़ करेंगे और इस डेटा को यूज़ करेंगे जो हमारे पास गिवन है। सो प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें कंपास और प्रोट्रैक्टर चाहिए होगा, जिसके जो हमारे पास है। आप लोग भी कंपास और प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके बनाएं। सो ये रहा कंपास, ये रहा प्रोट्रैक्टर, ये रहे स्केल और रूलर, इट इज इरेजर एंड पेंसिल। इसको बनाने के लिए आपको इतनी चीज़ पर्याप्त रहेंगी, बट आपके बहुत से कॉलेजेस के एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको पेन से बनवाते हैं, ब्लैक स्केच से बनवाते हैं। तो पहले आप बना दो फिर उसको आप आउटलाइन कर सकते हो उससे। सो अब हम लोग बनाएंगे वन स्टैंडर्ड पैरेलल का प्रोजेक्शन। मेन प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम लोग एक बेसिक छोटा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं यूजिंग कंपास एंड प्रोटेक्टर। सो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमने रेडियस निकाला था यूजिंग दैट कैलकुलेशन, जो हमारा रेडियस आया था वो आया था रेडियस इक्वल्स टू 5.08 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस आया था। अब हम लोग इस को यूज़ करके क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे।
तो इस रेडियस को यूज़ करके पहले हम लोग एक 5.08 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन ऑफ 5.08 सेंटीमीटर। ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, इसको आप टेढ़ी ना हो तो कंस्ट्रक्शन सही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे साथ ही साथ, या आप इस पर काम करिए। जो हमारा प्रोजेक्शन है, जो हमारा लाइन है, उसे एक 90 डिग्री का एंगल बनाए ऐसे, और वहाँ से तो ज़्यादा से हमारी प्रोजेक्शन की एक्यूरेसी रहेगी और हमारा प्रोजेक्शन अच्छे से बनेगा। तो ये हमारी एक 90 डिग्री की लाइन बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके, सॉरी पहले हम लोग कंपास को यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रेडियस है यानी कि 5.8 सेंटीमीटर यानी कि दिस पोर्शन, ओके, इसको हम लोग जो हमारे ये पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पर से एक क्वार्टर सर्कल बना देंगे। क्वार्टर सर्कल जो हमारी वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच करना चाहिए, ओके। अब हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया ए बी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोट्रैक्टर लेंगे और इस पॉइंट पे रखेंगे ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे रखने के बाद हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। 45 क्यों, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड पैरेलल है वो है 45 डिग्री, ये आप ध्यान रखिएगा। सो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा ये यहाँ पर, यहाँ से इसको ए पॉइंट से मिला दिया, ओके। अब हम लोग एक 15 डिग्री का भी एंगल यहाँ से ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से, 15 डिग्री यानी कि 10 और ये 15, क्यों, बिकॉज हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 15 डिग्री। हमने क्या किया, इसको ए पॉइंट से मिला दिया, ओके। अब हमने इसको इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई इस पॉइंट का, ओके। सो अब इस प्रोटेक्टर का काम जनरली हमारा खत्म हो गया है, सो अब इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी इस बी से और इस सी तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कंपास प्रोटेक्टर से नाप लेंगे, कंपास से सॉरी, ओके। जो बी सी की डिस्टेंस है इसको हम लोग यूजिंग दिस कंपास हम लोग ने मेजर कर लिया, ओके। अब ए पॉइंट पर रख करके हम लोग यहाँ पर एक आर्क बना देंगे, क्या बना देंगे, आर्क, जो कि इस ए ई लाइन और ए बी लाइन को टच करेगा। ये हमारा बन गया आर्क, ओके, दिस मस्ट बी क्लियर। उसके बाद जो हमारी 45 डिग्री का एंगल है, दिस वॉज अ 45 डिग्री एंड दिस वॉज अ 15 डिग्री। अब जो 45 डिग्री वाला लाइन है यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो कि ए ई को टच करेगा, दिस एंड दिस। इसको हमने नाम रख दिया एफ, ई के बाद एफ और ये जी, ओके। अब हम लोग ने इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड किया ऊपर की तरफ, और ये जो डी पॉइंट है इससे क्या किया, एक टेंजेंट बना दिया इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे, ओके जी, और इसका नाम दे दिया हम लोग ने एच। सो बेसिकली हम लोग ने किया क्या, पहले एक रेडियस लिया 5.08 सेंटीमीटर जिसकी एक लाइन बनाई, फिर एक वर्टिकल लाइन बनाई यहाँ पर इसी पॉइंट ए पर। उसके बाद हम लोग ने एक क्वार्टर सर्कल बनाया, क्वार्टर सर्कल बनाने के बाद हम लोग ने एक 45 डिग्री का एंगल बनाया, देन एक 15 डिग्री का एंगल बनाया यूजिंग प्रोट्रैक्टर। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, बी सबको नेमिंग कर दी, फिर बी सी की आर्क इस कंपास से मेजर करने के बाद हम लोग ने ए पॉइंट से एक आर्क बना दिया। इस आर्क को बनाने के बाद जिस ये आर्क जहाँ पर भी ए डी को टच कर रहा है उस पॉइंट को ये ए ई लाइन से मिला दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना के मिला दिया, तो ये लाइन बन गई एफ और जी। सो अब हम लोग ने हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको कर लिया है, ये था हमारा स्टेप टू। स्टेप वन हमारा था जो कि हमने रेडियस को कैलकुलेट किया था, स्टेप टू इज दिस, जिसमें हम लोग ने ये कंस्ट्रक्शन किया है जिसको यूज करके अब हम लोग हमारा प्रोजेक्शन को बनाएंगे। सो अब प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको कुछ एक दो चीज़ें बेसिक ध्यान रखनी है कि
इनमें से हम लोग कौन सी मेजरमेंट किस चीज इस्तेमाल करेंगे। ये जो एच डी डिस्टेंस है, एच डी ये वाले डिस्टेंस जो है हमारे, दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल। ओके, जो हमारी एच डी की डिस्टेंस है ये स्टैंडर्ड पैरेलल की डिस्टेंस है। उसके बाद ये जो हमारी सी बी की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सी बी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। ओके, सिमिलरली ये जो एफ जी की डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब मतलब क्या है इसका, हमारी जो एच डी की डिस्टेंस है यानी कि ये स्टैंडर्ड पैरेलल रिप्रेजेंट करी, और हमारी स्टैंडर्ड पैरेलल क्या है जो क्वेश्चन में दी गई थी वो है 45 डिग्री। ओके, सो जो 45 डिग्री का स्टैंडर्ड पैरेलल होगा वो इस लेंथ का बनेगा। सेकेंडली जो सी बी लेंथ है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एक्सटेंड क्या है हमारा, 0 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ। सो जो हमारा लैटिट्यूडल एक्सटेंड होगा, जो लैटिट्यूड की लाइन्स को हम लोग बनाएंगे वो इस मेजरमेंट से बनाएंगे यानी कि सी बी मेजरमेंट से। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो एफ जी रिप्रेजेंट कर रही है। तो एफ जी की मतलब लॉन्गिट्यूड के जो हम लोग मेजरमेंट लेंगे, जो आर्क लगाएंगे, वो एफ जी की लेंथ के इक्वल होगा। सो ये तीन चार चीज़ें आपको बेसिक ड्रॉ करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन बनाना। प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे। पेंसिल लेने के बाद एक पॉइंट हम लोग बनाएंगे थोड़ा ऊपर, इसको हम लोग नाम दे देंगे पी। पी स्टैंड्स फॉर पोल। ओके, पी स्टैंड्स फॉर पोल। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, पेंसिल यूज़ करेंगे आप लोग, थोड़ा डार्क बनाए या लाइट बनाए कोई दिक्कत नहीं है। सो आपने पी से यहाँ पर एक लाइन खींच दी। अब हम लोग इस एच डी डिस्टेंस से पहले एक स्टैंडर्ड पैरेलल बनाएंगे। एच दिस इज डी एंड दिस इज डी दिस इज एच, ये हमारा एच डी डिस्टेंस हो गया। यहाँ से हम लोग एक आर्क बनाएंगे, दिस आर्क विल बी द स्टैंडर्ड पैरेलल। इसको हम लोग यहाँ पर पैरेलल लिख देते हैं पेंसिल से 45 डिग्री, दिस लाइन विल बी द स्टैंडर्ड पैरेलल। अब हम लोग पहले बनाते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ में जो ये वाली लाइंस हैं ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो मतलब ये जो लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगी यहाँ पर, ये होंगी लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का जो हम लोगों ने लेंथ लेना है, जो मेजरमेंट लेना है, वो किसका है, सी बी यानी कि दिस इज। तो हम लोगों ने सी बी लेंथ का यहाँ पर से मेजरमेंट ले लिया अपने कंपस में से, दिस इज द लेंथ फॉर सी बी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, लैटिट्यूड है 0 to 75। अगर ये 0 डिग्री है तो ऊपर जाएंगे हम लोग तो लैटिट्यूड्स जो इंक्रीज मतलब का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ अगर 0 डिग्री है तो 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 50 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक। सो सिमिलरली यहाँ पर अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ से जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ आएगा 46, 47, 48, 49, 50, 51 ऐसे। लेकिन हमको जो इंटरवल दिया है वो है 15 डिग्री का, हमें 15 डिग्री के इंटरवल्स पर जो है वो बनाना है। 15 डिग्री के इंटरवल्स पे हमें जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो बनाने हैं। तो 15 डिग्री मतलब यहाँ से 45 से 15 ऐड करेंगे तो 60, फिर 15 तो 75, फिर से 15 तो 90। सो तीन आर्क्स ऊपर बनेंगे, सॉरी दो आर्क ऊपर बनेंगे मतलब 60 और 75, और तीन आर्क नीचे बनेंगे यानी 30, 15 और 0 डिग्री, बिकॉज 0 टू 75 डिग्री है। तो इसलिए हमको ये लाइन थोड़ी और एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो हमने कर दी। अब हम लोग बनाएंगे इसके आर्क। यहाँ से हम लोग ने इसका मेजरमेंट ले लिया है। अब यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से, जो पॉइंट ये है, यहाँ से एक लगाएंगे आर्क। सिमिलरली यहाँ से लगाएंगे एक आर्क। सिमिलरली ऊपर दो बन रहे थे, अब नीचे बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ से यहाँ से एक आर्क, और फिर यहाँ से दो आर्क दूसरा, और यहाँ से तीसरा आर्क। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस पॉइंट को जो स्टैंडर्ड पैरेलल से ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है,
यहाँ को हम सेंटर मान करके यहाँ से यहाँ तक एक 50 सी बी लेंथ का एक आर्क यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ को सेंटर रख के यहाँ पर सी बी लेंथ का एक आर्क, सिमिलरली तीन आर्क नीचे लगाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे इसके लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है वो है एफ जी। सो एफ जी डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग अपना कंपास फिर एफ जी का डिस्टेंस लेंगे, और हमने ये ले लिया एफ जी का डिस्टेंस। ओके, एक बार रीमेजर कर लेते हैं एफ जी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 80 डिग्री टू 60 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री सॉरी 60 डिग्री होगा यहाँ क्वेश्चन में, मैंने गलत लिख दिया है, दिस विल बी 60 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट। तो जो हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये हमारे जो नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। बीच में होता है 0 डिग्री, इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 की तरफ बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 बढ़ेगा। सो हमें यहाँ पर इंटरवल कितना रखना है, 15। तो मतलब 0 से 15, फिर 30, 0 से 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर इधर 0 से 30, 45, 60 और 60 तक करना है। सो 0 से 1 2 3 4, चार आर्क इधर लगेंगे और 1 2 3 4 आर्क इधर लगेंगे। सो इस लेंथ का एफ जी लेंथ के यहाँ पर हम लोग आर्क बनाते हैं, ये हमारा पहला आर्क, फिर इसको सेंटर रख के ये दूसरा आर्क, फिर ये तीसरा, ये सेंटर रख के तीसरा आर्क, और फिर ये सेंटर रख के ये चौथा आर्क। सिमिलरली हम लोग इस साइड करेंगे जो कि इस मैप का ईस्टर्न पोर्शन है, पहला आर्क, फिर यहाँ से रख करके ये दूसरा आर्क, फिर यहाँ से रख करके ये तीसरा आर्क, फिर यहाँ से रख करके ये चौथा आर्क। ये थोड़ा कंपास आप अपना ध्यान से पकड़िएगा, बिकॉज ये आर्क बहुत ही सेंसिटिव है, छोटे छोटे आर्क लगाएंगे ताकि आपका फिगर ज़्यादा गंदा ना हो। सो ये हमारे आर्क्स लग गए। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पी पे हम लोग अपना पॉइंट कंपास का पॉइंट रखेंगे। अब हम लोग इस लेंथ का, जिस लेंथ का ये लास्ट वाला जो आर्क है, ये वाला लैटिट्यूड वाला, इस पे रख के एक सर्कल बना देंगे, सेमी सर्कल, या एक हम लोगों ने जैसे पहले आर्क बनाया था स्टैंडर्ड पहल का, वैसे बना देंगे। अब इस पी पॉइंट से ये जो लास्ट लॉन्गिट्यूड वाला आर्क है, इसको हम लोगों ने ऐसे मिला दिया, यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे मिला दिया। ओके, सो ये जो हमारा नेसेसरी पार्ट है इसको हम लोग बाद में इरेज कर देंगे। सो हम लोगों ने किया क्या, ये जो लास्ट वाला आर्क है, हम लोगों ने पहले इस प्रोजेक्शन की बाउंड्री बना ली। सो ये जो लैटिट्यूड का लास्ट वाला आर्क है, इसको हम लोगों ने सर्कल बना लिया, और जो लॉन्गिट्यूड्स का हमारा लास्ट वाले आर्क है, उनको एक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बना ली। सो हम लोगों ने इस प्रोजेक्शन का क्या बना लिया, एक हम लोगों ने इसका बाउंड्री बना लिया। अब हम लोग बाकी सारे लैटिट्यूड्स बनाते हैं, उनको बनाने के लिए हम लोग अपना ये कंपास का डिस्टेंस छोटा करते जाएंगे, और हम लोग अपना ये इस बाउंड्री के अंदर ही इसको बनाते जाएंगे। पॉइंट ए रख दीजिए, आप कंपास का लेंथ ऐसे छोटा करते रहिए और ये बनता जाएगा। स्टैंडर्ड पैरेलल बना हुआ है, यहाँ से बनाएंगे, ये बन गया हमारा। ओके, सेकेंड है दिस वन, ये बन गया हमारा लास्ट लैटिट्यूड का लाइन। अब हम लोग ने सारे बना लिए लैटिट्यूड्स, अब हम लोग इसी पॉइंट पी से सारे लॉन्गिट्यूड ही बना लेंगे। पहला, दूसरा और ये तीसरा। ओके, सिमिलरली इस तरफ भी, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्शन बनके रेडी हो गया है, प्रोजेक्शन बनके रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा अननेसेसरी पोर्शन है उसको हम लोग इरेज कर देंगे, ऐसे वाला पोर्शन है इसको सब लोगों ने इरेज कर दिया है। और इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपास में स्केच पेन फंसा करके या कोई भी जेल पेन फंसा करके इसको हम लोग आउटलाइन कर देंगे, सारे भी
जो हमने बनाया, अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में नहीं बताया गया है कि आउटलाइन नहीं करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप इतना भी अननेसेसरी पोर्शन है इसको हटा दो। लेकिन अगर आपके टीचर ने कहा है कि इसको आपको आपको आउटलाइन करना है, आपको पेन से बनाना है, सो यूज़ अ पेन और अ स्केच पेन टू आउटलाइन दिस। आपने पेंसिल से बना लिया, अब इसको आप आउटलाइन करने के लिए स्केच या पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन याद रखना जेल पेन ही होना चाहिए। सो हमने क्या किया है, इसका जितना भी अननेसेसरी पोर्शन पेंसिल से था उसको इरेज कर दिया है, और इस पूरे प्रोजेक्शन को, जो कोनिकल प्रोजेक्शन वन स्टैंडर्ड पैरेलल है, इसको हमने ब्लैक स्केच से आउटलाइन कर दिया है। अब हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे। इससे पहले जो हम लोग ने पॉइंट पी लिया था, इसको हम लोग पेन से मार्क कर देते हैं पी। अब जो हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल था उसको हम लोग लिख देते हैं स्टैंडर्ड यहाँ पर 45 डिग्री पहले, और यहाँ पर लिख देंगे स्टैंडर्ड पैरेलल। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर मिलते हैं आपको। ओके, सो आपने जब भी आप अपना प्रोजेक्शन बनाए तो ये चीज़ एग्ज़ाम में मेंशन करना मत भूलिएगा, बिकॉज यू हैव द मार्क्स फॉर दिए कि आधा नंबर आपको इसका मिलता है, स्टैंडर्ड पैरेलल आपने लिखा है कि नहीं, मेंशन किया है कि नहीं। ओके, अब हम लोग इसके लैटिट्यूड्स मार्क करते हैं। तो क्योंकि हमारा इंटरवल था जो था 15 डिग्री का, सो 45 से 15 डिग्री कितना हो गया 60, 45 प्लस 15, और ये कितना हो गया 75 डिग्री। सिमिलरली इधर नीचे तो ये 30 डिग्री, 45 माइनस 15, फिर 30 माइनस 15, 15 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री। सो हमारे जो लैटिट्यूड्स थे 0 डिग्री टू 75 डिग्री, तो ये हमारा फुलफिल हो गया 0 डिग्री टू 75 डिग्री। सो हमारे लैटिट्यूड्स तो बन गए, अब हमें क्या बनाना है, लॉन्गिट्यूड। सो हमारा नॉर्थ है तो हम लोग यहाँ पर एन लगा देंगे, एन मीन्स नॉर्थ। 0 डिग्री का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, सेंटर में पास करता है। सो अब हमें क्या बनाना है, 60 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री वेस्ट। सो बीच वाली लाइन है, इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री इधर, यानी कि 15 डिग्री प्लस 15 30 प्लस 15 45 और प्लस 15 60 डिग्री। सिमिलरली इधर भी 15 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये हमारा कौन सा पोर्शन है, वेस्ट, तो हमने इसको वेस्ट लिख दिया, और ये हमारा ईस्ट है तो हमने इसको ईस्ट लिख दिया। आप हर घर के साथ ई ई लगा भी सकते हो, लेकिन उससे खामखा कंजेस्टेड हो जाएगा, इससे अच्छा आप ईस्ट इधर लिख दो, वेस्ट इधर लिख दो। सो ये हमारा कोनिकल प्रोजेक्शन वन स्टैंडर्ड पैरेलल बन गया। ये हमारा पहला स्टेप वन था हमारा, इसमें हम लोग ने रेडियस कैलकुलेट किया था 5.08 सेंटीमीटर। फिर हम लोग ने ये कंस्ट्रक्शन वर्क बनाया। ओके, कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद हम लोग ने मेजरमेंट्स लेकर, इस कंस्ट्रक्शन वर्क को यूज़ करके इनकी मेजरमेंट्स लेकर हम लोग ने ये कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाया। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप मार्क्स अपने गेन कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बेसिकली प्रोजेक्शन हम लोग मैप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो आपको करना क्या है, आपके एग्ज़ाम में अगर ये प्रोजेक्शन आया है तो आप इसको बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से कैलकुलेशन करो, कि मतलब स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस। स्टेप टू फिर रेडियस कैलकुलेट करो, फिर स्टेप टू उसमें क्या लिखो, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क। और फिर स्टेप थ्री में क्या लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनल, या लिख दो फाइनल प्रोजेक्शन। तो आपने आपने जो आंसर है उसको अच्छे से फ्रेम करके, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री में अच्छे से करके तब अपना ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब आपने ये प्रोजेक्शन, आपके एग्ज़ाम में कोई प्रोजेक्शन है, चाहे वन स्टैंडर्ड पैरेलल है, चाहे टू स्टैंडर्ड पैरेलल है, चाहे बोनी है, चाहे सिलिंड्रिकल है, तो उसमें अगर आप उस प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा लिख देते हो, ये प्रोजेक्शन किस लिए काम होता है, कौन से मैप्स बनाने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, सो वो आपको हो सकता है एग्जामिनर आपसे खुश होकर आपको एक नंबर या कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करने में हेल्प कर दे, या अगर आपने कोई माइन्यूट मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल लिखना भूल गए हैं, या इसमें कुछ गलती कर दी है, नंबरिंग में गलती कर दी है, तो हो सकता है वो आपको फॉरगो कर दे। ये सोचेगा कि बच्चे को आता है लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया है। सो आप इसमें क्या लिख दो बस, कि कोनिकल प्रोजेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल।
अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी लिखो, जैसे प्रॉपर्टीज में ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है ये इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरियाज को का मैप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द मैप्स ऑफ ट्रॉपिकल एरिया जो ट्रॉपिक्स में है। सेकेंडली इस मैप का जो स्केल होता है दैट इज़ ट्रू ओनली एट स्टैंडर्ड पैरेलल, मतलब जो इस प्रोजेक्शन का स्टैंडर्ड पैरेलल होगा, जैसे यहाँ पर 45 डिग्री था, इसकी स्केल सिर्फ यहाँ पर ट्रू होगी, ट्रू स्केल इज ट्रू एट स्टैंडर्ड पैरेलल ओनली। ओके सो ये लिख सकते हो। थर्ड ऐसे लिख सकते हो कि जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो स्केल डिस्टॉर्ट हो जाती है, नीचे जाएंगे तो स्केल डिस्टॉर्ट हो जाती है। ओके सो और इसका ये लिख सकते हो कि एप्लीकेशन पार्ट, ये तो प्रॉपर्टीज पार्ट हो गई, अब एप्लीकेशन पार्ट की इस मैप इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मैप बना सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका मैप बेस्ट बनता है इस मैप प्रोजेक्शन को यूज़ करके। सो ये आप लिख दो, द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज बेस्ट मेड बाय दिस प्रोजेक्शन। सो दिस ये आप सब लिख करके आप थोड़ा टीचर को इम्प्रेस कर सकते हो। और एक चीज़ और, ये जो प्रोजेक्शन है इसको अगर अपने स्कूल के हिसाब से बनाइएगा, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कहा जाता है कि इसको आप पेंसिल से बनाओ तो आप इसको पेंसिल से बनाना, और अगर कहा जाता है कि इसको आप स्केच या ब्लैक पेन से बनाओ तो इसको आप ब्लैक पेन से बनाना। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, बिकॉज इन सब चीज़ों के भी नंबर टीचर्स पे डिपेंड करते हैं और उनके मेथड्स पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज मैप आप पेन से बनाते हो, मैप आप स्केच से बनाते हो। सिमिलर फॉर प्रोजेक्शन, स्केच से बन सकता है और पेंसिल से बन सकता है। सो ये टोटली था हमारा वन स्टैंडर्ड पहले कोनिकल प्रोजेक्शन। इस वीडियो पूरे इस सेशन में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आया हो, आपको यूज़फुल लगा हो, आपको प्रोजेक्शन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।